بسم الله الرحمن الرحيم تنبيهات هامة للمشتغل بهذا العلم هذا وينبغي للمشتغل بهذا العلم أن يتنبه إلى عدة أمور أولها أن الكلام في الرواة جرحا وتعديلا من الغيبة الجائزة وذلك لغلبة المصلحة من وراء ذلك فلولا أن تكلم أهل العلم في الرواة جرحا وتعديلا وبينوا أحوالهم لدس من شاء ما شاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار صحابته رضوان الله عليهم أجمعين وقد قال الله في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذن له بئس أخ العشيرة أو ابن العشيرة فلما دخل أعلن له الكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه وقد بوب له البخاري في صحيحه تنبيهات هامة للمشتغل بهذا العلم اس علم يعني حدیث شریف میں اشتغال رکھنے والے حدیث شریف کو مشغلہ بنانے والے طلباء اور علماء سب کے لیے اہم نوٹس امپورٹنٹ نوٹس اہم باتیں حدیث شریف میں آدمی اپنے آپ کو مشغول رکھے ہے تو یہ باتیں بھی جانے جان کر کے اس پر عمل پیرا ہو حاضر جو گزشتہ باتیں ہیں تو کہہ رہے خود حاضر یہ تو یاد کر لو وَيَنْبَغِي لِلْمُشْتَغِلِ بِهَذَا الْعِلْمِ اور اس علم میں مشغول ہونے والے یعنی حدیث شریف کو مشغلہ بنانے والے طلبہ اور علماء کے لیے مناسب ہے اَن يَتَنَبَّهَ إِلَىٰ عِدَّةِ اُمُورِ کہ چند امور کی طرف تنبہ رکھیں چند باتیں جانے رکھیں اَوَّلُهَا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الرُّؤَاتِ جَرْحًا وَتَعْدِيلًا من الغیبۃ الجائزۃ عدت امور اولہا عدت امور کی طرف مرجع ہے اس کا سب سے پہلی بات سب سے پہلا امر یہ ہے کہ راویوں پر کلام کرنا جرح و تعدیل کے اعتبار سے یہ غیبت جائزہ میں سے ہے جائز غیبت ہے غیبت بھی جائز اور ناجائز ہوتی ہے لیکن یہ غیبت کیا ہے جائز ہے راویوں پر کلام کرنا جرح و تعدیل کے اعتبار سے یہ جائز غیبت ہے دلیل
وذلك لغلبة المصلحة من ذلك, और ये इस वजह से कि इसके पीछे में वरा ذلك, इसके पीछे मसलहत शरिया का गलबा है, मसलहत के गालिब आने की वजह से ये है इसके पीछे। क्या मसलहत है? मसलहत बता रहे हूँ, फलौला अन तकल्लम अहलुल इल्म, तो अगर मुहद्दिसीन कलाम न करते रावियों के सिलसिले में, जरहन व तादीलन, जरह तादील के एतबार से, वबैनू अहवालहुम, और उनके हालात को न बयान करते, फलौला अन तकल्लम अहलुल इल्म, अगर अहले इल्म यानी मुहद्दिसीन कलाम न करते, फिर रुआती रावी जमा रुआत, दाई जमा दुआत, अगर मुहद्दिसीन कलाम न करते रावियों पर जरह व तादील के एतबार से, वबैनू अहवालहुम, लौला अन बैनू अहवालहुम, और अगर उनके हालात न बयान करते, लदस मन शाह, तो दाखिल कर देता, ठूस देता जो शख्स भी चाहता, माशा जो भी चाहता, जो भी चाहता इसमें बयान करता हुआ चला जाता हर शख्स कसे बाशद। लेकिन अब ये जरह तादील है तो हर आदमी इसमें पर नहीं मार पाएगा। फिर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, वो अखबार सहाबत ही, और आपके सहाबा के अखबार में खबरों के बारे में, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अल्लाह ताला की खुशनुदी इन सब को हासिल हो। सहाबा वाहिद सहाबीयुन जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में इंतकाल हुआ हो और बीच में मुर्तद ना हुए हो, उसको सहाबी कहते हैं। बीच में मुर्तद हो गए, फिर उसके बाद ईमान ले आए और हुजूर को नहीं देखा दोबारा, तो इमाम शाफी कहते हैं सहाबी रहेंगे, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं अब सहाबी नहीं रहेंगे, फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मुर्तद हो गए तो सारी नेकियां ख़त्म हो गई, अलकुफ्र यहदिमु मा काना क़ब्ला, तो सब ख़त्म हो गई है, और सहाबी बनना तो बहुत बड़ी नेकी है, वो भी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद फिर से इस्लाम लाए तो जो जो नेकी करेंगे मिलती रहेगी, अब सहाबी बनेंगे तो नेकी मिलेगी, तो सहाबियत की नेकी मिलेगी, और हुजूर को नहीं देखा, अब इंतकाल हो गया हुजूर का, तो हुजूर का इंतकाल नहीं बहुत दूर है, अब दोबारा नहीं देखने का मौका है, फिर इंतकाल बाद में हुआ, या देखे नहीं, हुजूर से पहले ही इंतकाल हो गया लेकिन देखा नहीं, तो अहनाफ क्या कहते हैं कि सहाबी नहीं रहेंगे, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सहाबी रहेंगे। وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, التنزيل المحكم, वो नाजिल करदा आयात जो मुहकम है सब के सब, अब मनसूख नहीं होंगी, यानी कुरान करीम में, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कुरान करीम में, या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ईमान वालो, जाएकुम फासिकुन, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आए, बिनबईन, कोई खबर लेकर, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आए खबर लेकर, बिनबईन, कोई खबर लेकर, कोई फासिक आए, ये सहाबा है, सहाबा को फासिक नहीं कहा जा रहा है बल्कि कहा जा रहा है आम, कोई फासिक आए अगर बिनबईन कोई खबर लेकर के, फतबयनु, तो तहकीक कर लिया करो, अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन,
कि कहीं तुम किसी कौम को नादानी में कोई तकलीफ न पहुंचा दो। असाब युसीबो पहुंचाना, अन तुसीबो कौमन, कि कौम को नादानी में कोई तकलीफ न पहुंचा दो, तहकीक कर लिया करो। तो तहकीक कैसे करेंगे, इधर उधर से पूछेंगे कौन आदमी है, तो वो बताएगा इससे छुप करके, तो गीबत होगी। तो ये गीबतें जायज़ा, फतबैनु ऐ इग्ताबु गीबतन जायज़तन फतबैनु, तो तहकीक कर लिया करो। अन तुसीबु कौम बिजहालतिन, कि कहीं तुम तकलीफ़ न पहुँचा दो लोगों को नादानी में। फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, तो तुम हो जाओ शर्मिंदा अपने किए पर। फतुसबिहु नादिमीन, तो तुम पछताओ अपने किए पर। अब पछताए का होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सब बर्बाद हो गया, तो अब पछताने से कुछ नहीं होता। पहले ही से अटेंटिव रहो, यकीन रहो, नशीत रहो। फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, तो तुम हो जाओ अपने किए पर पशीमान। ये आयत करीमा आ गई, जिस आयत करीमा से पता चल रहा है कि गीबतें जायज़ा भी होती है। तो एक वाक़या पेश आया था, एक सहाबी को हुज़ूर ने भेजा कि जाओ ज़कात वसूल करके आओ फुला कौम में। तो वो गए ज़कात वसूल करने, तो जब ये मुसलमान नहीं हुए थे और वो लोग भी मुसलमान नहीं थे, तो इनकी उनसे लड़ाई चल रही थी पहले। वो भी मुसलमान हो गए ज़कात देने वाले, ये भी मुसलमान हो गए। तो हुज़ूर ने कहा जाओ जाओ ज़कात वसूल करके आओ। तो ये गए, तो वो सब के सब तो हुज़ूर का नुमाइंदा आ रहा ज़कात वसूलने, सब इस्तकबाल के लिए रोड ही पे आ गए थे। अब ये जब करीब पहुँचे तो देखा ये सब मुझे मारने आ रहे हैं, और वो इस्तकबाल करने के लिए आ रहे थे। वहीं से वापस आ गए, वापस आ करके हुजूर को बतलाया। तो हुजूर को बतलाया कि ऐसे ऐसे हुआ है, वो सब मुर्तद हो गए, ज़कात नहीं देंगे, वो तो मुझे मारने के लिए आ रहे थे। तो हुजूर ने पता लगवाया, उधर तहकीक करवाया, तो उन लोगों ने बतलाया कि हम तो इस्तकबाल के लिए आए थे। तो हुजूर ने खुद ही पता लगवाया, फतबैनु, तहकीक किया आपने। तो तहकीक करने के बाद अमल किया, तो उसके बाद इधर जिब्रील अमीन ये आयत लेकर के आ गए कि अय्युहल्लज़ीन आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी खबर लेकर के आए तो तहकीक कर लिया करो। मौलाना मौदूदी फासिकुन का मिज़दाक उसी सहाबी को करार देते हैं। तो सहाबी फासिक हो गए नऊज़ बिल्ला, लेकिन मौलाना थानवी फरमाते हैं कि फासिकुन आम है, जैसे कहा जाता है कि कोई आदमी इसका मिज़दाक बनाए बगैर किसी को, जो फासिक है वो मिज़दाक। जब कोई फासिक खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो, और फ़िका खबर लाए तो फ़िका है ही वो, लिहाजा फासिक खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो। ए आई ईमान वालो, इन जाएकुम फासिकुन बिनबइन फतबैनु अन तुसीबु क़ौमन बिजहालतिन फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने उसी तरह अमल किया, फिर उसके बाद उसे ज़कात वसूल की गई, और वो लोग इस्तकबाल के लिए आए थे। وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها اور صحيح بخاری میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے، فرمایا ہے استقدم رجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، एक आदमी ने परमिशन मांगी पेट्रोल पंप लगाने की। नहीं, पेट्रोल पंप लगाने की परमिशन नहीं, यह अंदर दाखिल होने की परमिशन। इस्तअदन रजुलुन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साहब ने इजाज़त मांगी
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दरवाजे पे आया, खटखटाया। सहाबा दरवाज़ा खटखटाते थे बहुत आहिस्ता, नाखूनों से थोड़ा थोड़ा, आज का पूरा भड़बड़ा देते हैं और उसके बाद भी नाराज होते हैं कि सुनते नहीं, इतने दूर से मैं आया। और उसके बाद फिर समझते नहीं कि घर वाले का हक है, अगर चाहे तो इजाज़त दे, चाहे तो इजाज़त ना दे। वापस जाना हो तो कोई जाएगा नहीं। हुजूर आए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जवाब नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जवाब नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जवाब नहीं मिला। वापस चले, यहाँ जवाब नहीं मिले, कहाँ रहते हैं, हालांकि अल्लाह के रसूल से बड़ा कौन होगा। वापस जा रहे हैं, फिर सहाबी खोल करके दौड़े दौड़े गए, कहा अल्लाह के रसूल तशरीफ लाई हो तो मैं आपकी दुआ सुनना चाह रहा था, जितनी बार आप दुआ दे दें पूरी नस्ल के लिए काफ़ी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। आपकी दुआ के लिए मैं रुका हुआ था, जवाब आहिस्ता दे रहा था ताकि आप सुनने ना पाए, चालू रखे सलाम। तो फिर वापस ले आए, वापस आ गए। और अगर घर वाले कभी कह दें कि जाइए अभी टाइम नहीं है, बाद में मुलाकात करते, तो क्या कहेंगे बताइए, इनको टाइम ही नहीं, इतनी दूर से आ गए, इनको टाइम ही नहीं। और कुरान क्या कह रहा है, वही रखी लकुम उर्जिऊ फर्जिऊ, और जब तुमसे कहा जाए कि वापस लौटो तो वापस लौट जाए करो। वालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम, ये क्या है, तुम्हारे लिए बेहतर है, पाकीज़गी का ज़रिया है। इस आयत में तो कोई अमल ही नहीं करता, सब जो है नाक फुला करके वापस आएंगे। हालांकि कुरान कह रहा है وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا يَا وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, जब कहा जाए लौट जाओ तो लौट जाए करो, अल्लाह कह रहा है लौट जाओ, और तुम क्या है लौटते नहीं हो। उसकी अपनी ज़रूरियात है, घर के अंदर है वो, उसकी अपनी जो है मखसूस जो है घर है, घर उसको कहते हैं जिसमें घिर जाए आदमी। भाई तुम बातें भी तो भाई तो रात गुजारना आराम से रहने के लिए है, तो उसको डिस्टर्ब तुम कर रहे हो, अभी नहीं मिलना चाहते तो आप नहीं उसके हक को जो है ले सकते। बहरहाल उसने इजाज़त मांगी तो हुजूर ने फरमाया इदनु लहू, उसको इजाज़त दे दो। और घर में हजरत आयशा भी हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि बहुत ख़राब आदमी आ गया, कैसे आ गया ये, बिसा अखुल अशीरती, बहुत बुरा है ये ख़ानदान का भाई, और इब्नुल अशीरती, या खानदान का हम जोलियों का और हम पेशा लोगों का मुआशरत रखने वालों का बहुत बुरा बेटा है, बहुत बुरा भाई है। और उसके बाद फलम्मा दखला, जब वो अंदर आया अलान लहुल कलामा, तो उससे खूब नर्म नर्म बातें किया, अलान युलीन इलानतन। और हजरत आयशा भी सुन रहे कि ये देखो अभी तो आयत कह रहे थे बहुत ख़राब आदमी आ गया है, और उसके बाद अब चाय लाए इसको, बहुत अच्छा आदमी तो नहीं कहा आपने, लेकिन अलाना युलीन इलानतन, नर्म गुफ्तगू किया जिससे उसके अच्छा होने की तरफ इशारा हो रहा है। कुल तो या रसूल अल्लाह, जब वो चला गया या वहीं अंदर पूछा होगा, कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने पूछा, हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल कुलता लगे कुलता, अभी तो आपने ये सब कहा था, बेसा अखुल अशीरती, आपने कहा वो जो कहा, सुम्मा अलंत लहुल कलामा, फिर आपने उसके साथ नर्म गुफ्तगू किया, अलंत लहुल कलामा। काला, हुजूर ने फरमाया ऐ आयशा तू, ऐ आयशा, ऐ आयशा, इन्न शर्र अन्नास मन तरकहु अन्नास, बदतरीन आदमी वो है जिसको लोग छोड़ दें, औ वदा अहु अन्नास, तरकहु औ वदा अहु, उसे लोग छोड़ दें, इत्तिका अफहशी, उसकी बदकलामी की वजह से। तो बदकलामी करके मैं शर्रुन्नास नहीं बनूंगा, कलाम तो शीरी करना है, कलाम तो नर्म करना है, गुफ्तगू अच्छी करना है, ताकि हुस्ने अखलाक का मेयार बनूं, ना कि जो है बदकलामी करना है। और वो जो कहा था आपने वो गीबत जायजा है,
वो उसकी जरह करना है, तादील करना है। तो जरह यहाँ से निकालना है कि जरह करना जायज़ है, जरह करना जायज़ है। वक़द बव्वब लहू अल-बुखारी फी सहीहिही, सही बुखारी में इमाम बुखारी ने बाब बांधा है इसका। बस वक्त पूरा हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।